बस्तर के जंगलों और गांवों में घूम घूम कर वोट मांग रही सोनी सोरी के साथ स्वामी अग्निवेश को देखकर हर कोई हैरान है। जन लोकपाल आंदोलन के समय स्वामी अग्निवेश टीम अन्ना के अहम सदस्य थे, लेकिन बाद में अन्ना और अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी दूरियां बढ़ गई थी। टीम अन्ना से अलग होने के बाद लंबे समय के बाद आम आदमी पार्टी के प्रचार में आप दिख रहे हैं, तो क्या माना जाए कि आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल के आप सदस्य हो चुके हैं? मैं अरविंद केजरीवाल का सदस्य नहीं बना हूं, आम आदमी पार्टी का भी सदस्य नहीं हूं। मैं यहां आया हूं एक उनकी हिम्मत की दाद देने के लिए कि उन्होंने एक सच्चे ईमानदार संघर्षशील बहन को बेटी को अपना टिकट दिया है। सोनी सोरी नक्सलियों को मदद पहुंचाने के आरोप में 28 साल तक जेल में बंद रह चुकी हैं। वो खुद मानती हैं कि नक्सलवाद की समस्या बस्तर की एक बड़ी समस्या है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। जो यहाँ खून की ओली खेली जा रही वो खत्म होना चाहिए। वो एक मुझे लगता है वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, और उसके लिए एक मतलब मध्यस्थता होनी चाहिए। मध्यस्थता से वो खत्म किया जा सकता है। जो नक्सली जो बंदूक पकड़े वो भी इंसान है, वो भी एक तरह का इंसान है, और जो इधर सरकार तरफ से जो लोग पकड़े हैं बंदूक वो भी इंसान है। आपसी में कॉम्प्रोमाइज हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं। सोनी सोरी के चुनाव प्रचार में करीब 120 एनजीओ बस्तर में काम कर रही हैं, लेकिन बस्तर से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश कश्यप सोनी सोरी को अपने लिए कोई चुनौती नहीं मानते। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात करूं तो यहां उनका कोई जनाधार नहीं है और कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, भले गाड़ी घोड़ा घूम रहा होगा। और जिसको इन्होंने टिकट दिया है वो नक्सली मददगार के रूप में जानी जाती है। आपको बता दें कि सोनी सोरी के विरोधी उनको नक्सलियों का हमदर्द बताते रहे हैं। नक्सलियों को मदद पहुंचाने के आरोप में वो 28 साल तक जेल में बंद रही थी। पुलिस हिरासत के दौरान उनके यौन उत्पीड़न की खबर भी आई थी। मानवाधिकार संगठनों ने सोनी सोरी के समर्थन में आवाज बुलंद की। बाद में सोनी सोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से वो सशर्त जमानत पर रिहा हुई। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली और अब वो जीत हासिल करने के लिए जी जान से चुनाव प्रचार कर रही हैं।